नमस्कार देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेहमान समाले। नमस्कार देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित और इस देश का हित। खबरें देखिए आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा है वो सिर्फ और सिर्फ आप देशहित में देखेंगे। देशहित में आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। देहरादून की रैली से प्रधानमंत्री ने किया अगस्ता वेस्टलैंड डील में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र, कहा मिशेल मामा ने बताया एपी और फैमिली को घूस। सहारनपुर की रैली में पीएम का विपक्ष पर प्रहार, इमरान मसूद की 5 साल पुरानी धमकी पर बोले यहां तो वोटी वोटी वाले भी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा अगस्ता वेस्टलैंड पर कांग्रेस की चुप्पी नहीं चलेगी, आरोपों पर जवाब दे राहुल गांधी। पुणे में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे, राहुल ने कहा मुझे मोदी से नफरत नहीं, मैं भी उन्हें चाहता हूं। राहुल के प्यार का पीएम मोदी ने दिया जवाब, देहरादून की रैली में बोले प्रेम के मसीहा के नीचे से जमीन खिसक गई। लाल कृष्ण आडवाणी पर राहुल गांधी का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी ने जूते मारकर मन से उतारा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का विवादित बयान, कहा गटर लेवल की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मेरे परिवार के खिलाफ मोदी को सना। आसाम के मोरीगांव से अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा घुसपैठियों पर बने रहे मौनी बाबा मनमोहन, अब है मोदी सरकार। यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीग के वायरस से पीड़ित, कहा अगर कांग्रेस जीती तो पूरे देश में फैल जाएगा वायरस। राहुल गांधी से सुषमा स्वराज का सवाल, कहा आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं तो एसपीजी की सुरक्षा लेकर क्यों चलता है पूरा परिवार। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर से चुनाव लड़ने से किया इनकार, चिट्ठी लिखकर फैसले में देरी पर उठाए सवाल। फसल काटने के बाद अब ट्रैक्टर चलाती नजर आई बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, ट्वीट किया उमर अब्दुल्ला की तरफ से, तंज किया फैंसी ट्रैक्टर में कूलर भी। समाजवादी पार्टी ने 2019 के लिए जारी किया घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट में किसानों की कर्ज माफी का वादा, हर साल 1 लाख नौकरियों का भी जिक्र। बीजेपी ने गुजरात के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत कई नेताओं के नाम, विवेक ओबेरॉय भी गुजरात में स्टार प्रचारक। किताब के जरिए लालू यादव का नीतीश पर अटैक, गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लिखा महागठबंधन छोड़ने के 6 महीने के भीतर वापसी करना चाहते थे नीतीश। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव ने सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी है। F-16 विमान पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, रेडियो इंटरसेप्ट से सेना की मिली अहम जानकारी, भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने ही तबाह किया F-16 विमान। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर दूसरा आतंकी हमला, धमतरी में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले में एक जवान शहीद, कल कांकेर में शहीद हुए थे बीएसएफ के 4 जवान। श्रीनगर सेंट्रल जेल में पुलिस और कैदियों के बीच झड़प, रसोई में लगाई आग, मुख्य इमारत में भी आग लगाने की कोशिश, 2 कैदी घायल।